days भूल के best day. कहते हो ना कि सारे रूल्स फॉलो किया करो, तो बस वही सारे रूल फॉलो करते आ रहे हैं हम. सही बात है. और मैम सच में कोई बहाना नहीं है, हम सब सारे रूल्स सच में फॉलो करते आ रहे हैं. ओ अच्छा जी. मैम ऐसा है, पहले हमने वेट किया. अबे किसका, अबे चुप करना. क्या एक्चुअली मैम, जब हम ग्रीन लाइट से रेड लाइट होने का हमने पहले वेट किया, फिर हम जब आगे बढ़े तो स्कूल का बोर्ड था जिस पे लिखा हुआ था जो आगे स्कूल है कृपया धीरे चले, तो हम धीरे धीरे आ रहे. शट अप, चुप हो जाओ सारे. और सिद्धार्थ, मैं तुम्हें कितनी बार बोला है इनका साथ छोड़ दो. हाँ मैं छोड़ दूंगा, मैं पक्का छोड़ दूंगा. जाओ चुपचाप जाके वहां बैठ जाओ. तो तुम तीनों के आने से पहले मैं हिस्ट्री का रिजल्ट अनाउंस कर रही थी, और हमेशा की तरह तुम तीनों के मार्क्स बिल्कुल बकवास आए. और ये मोंटी, जब मैंने इससे पूछा कि आदि मानव की जिंदगी कैसे होती है, तुमने क्या लिखा था? झकास, झकास होती है. अरे शर्म करो, कुछ शर्म, बच्चे नहीं हो अब तुम. कभी सोचा है लाइफ में आगे क्या करोगे? मैम कॉलेज जाएंगे, कॉलेज. शट अप, चुप हो जाओ सारे. मैम मेरे को हिस्ट्री में नहीं, पीसीएम में इंटरेस्ट है, और मैंने तो सोच लिया है मेरे को पायलट ही बनना है. हाँ बनो, अच्छी बात है, पायलट बनो, लेकिन सबसे पहले अपने निकम्मे दोस्तों का साथ छोड़ दो. भाई तुम तो सही चमका है मैम को यार. नहीं भाई, मैं सच में पायलट बनना चाहता हूँ. अबे चल सही है, हमारे साथ रह के कुछ तो सीख रहा है. अरे क्या हुआ, क्या सोच रही हो? अरे यही यार कि आगे कैरियर में करना क्या है समझ ही नहीं आता. मतलब? अरे यही यार, समझ नहीं आ रहा लाइफ में प्रोफेशनल क्या करूँ, कैरियर कैसे बनाऊं, वरना मेरी लाइफ भी ना दीदी जैसी हो जाएगी. ओ अच्छा, पर तू इतना क्यों सोच रही है? अरे यार टेंशन है भी पर नहीं भी यार, क्या करूँ, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ करना है, वरना ना मेरे पापा किसी कुल्फी वाले ऑटो वाले से शादी करा देंगे, फिर उसके साथ या तो ऑटो चलाओ या फिर कुल्फी बेचो, और वो मुझे करना है. अरे वो तो तेरा पति बेचेगा ना. अच्छा चल मेरे साथ. कहाँ? अरे चल तो. अरे हमार प्यारी चमेली, हमका बार बार याद दिलाए की जरूरत नहीं है, हमका याद है कि एगो तोहार लिए नौका बैग लेके आना है. अच्छा रुको, हम तुम सब बाद में बात करते हैं. यहाँ क्या कर रहे हो? लंच ओवर हो गया, क्लास में जाओ. हमें मैडम से मिलना है, हमें काम है कुछ उनसे. अच्छा रुको रुको थोड़ा, अंदर दो बच्चा लोग गए हैं, बाद में जाना, रुक जाओ थोड़ा. तुमसे मतलब? जितने स्कूल तुम्हारा है ना उतना हमारा भी. मैम हमें आपसे एक बात करनी है अपने करियर के बारे में. क्या बात है, ऐसा क्या हो गया जो सब एक एक करके आ रहे हो? चलो क्लास में, मैं आती हूँ. गुड आफ्टरनून बच्चों.
इससे पहले तुम्हारे सवाल शुरू हुए, मैं तुम लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसा तुम्हारे को क्या हुआ है जो तुम अपनी लाइफ में टेंशन लेने लग गए हो किसे? सुनो बच्चों, आगे लाइफ में क्या करना है ये तुम्हारा सोचना ठीक है, लेकिन इसमें टेंशन नहीं ले। अभी तुम सिर्फ टेंथ में हो और अभी तो तुम्हारे इलेवेंथ और ट्वेल्थ रह रही है। तो हाँ बच्चों, तुम ये ज़रूर सोच सकते हो कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है, इस हिसाब से तुम अपनी भी पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन मैम, हम ये तय कैसे करें कि अब हमें करना क्या है? अभी कौन कह रहा है तुम्हें? हाँ, तुम सिद्धांत की तरह तय कर सकते हो कि तुम्हें करना क्या है लाइफ में। देखो, जैसे जैसे तुम्हारी पढ़ाई होती रहेगी ना, वैसे वैसे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है। अभी तुम स्कूल में हो तो अभी तुम स्कूल के हर मोमेंट एंजॉय करो, ठीक है, और फुल एंजॉय करो। चलो मेरी क्लास में बाद में बात करती हूँ, ठीक है, बाय, टेक केयर। भाई मुझे तो लगता है टीचर का और सुमित के कुछ लफड़ा है। मतलब कुछ भी फोटोस पाने के लिए कुछ भी बक रहे हो यार। ये सुमित बहुत डफर है, हर बार इसके ट्यूशन में अंडे आते हैं, तो यहाँ इसके कैसे नंबर आ गया? भाई माने मत मान, सुमित के और टीचर के कुछ चक्कर है। तेरी अकल घास चरने गई है क्या? टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता बहुत पवित्र होता है। ओ हेलो, मेरे पापा ना सीआईडी में थे, डिटेक्टिव वाली जींस थोड़े मेरे में भी है। चल चुप हो जा, बकचोदी मत कर ज्यादा। ओह नो भाई, मेहनत तो मैं भी बहुत करता हूँ, मोमबत्ती की रोशनी से पढ़ाई करता हूँ और नदी पार करके स्कूल आता हूँ। एक मिनट, क्या क्या है क्या? तो शोभित आ जाओगे ट्यूशन पढ़ने? मैम आप जहाँ बुलाओगी वहाँ आऊँगा, बस दिल से याद करना। चलो आओ बाहर। देख कैसे भाग रहे हैं दोनों फूल बबरू की तरह, जैसे कहीं इक्स लड़ाने जा रहे हैं। फॉलो मी गाइस, लेट्स फाइंड आउट द मिस्ट्री। अध्यापिका ने चलाया विद्यार्थी के साथ प्रेम योग, सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। भाई तू तो बहुत ही अच्छी रिपोर्टिंग करता है। अरे मेरे पापा सीआईडी से पहले आज तक में रिपोर्टर थे, इसलिए मेरी रिपोर्टिंग भी खतरनाक है। भाई मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि इतनी भयानक न्यूज ये बनाई क्यों है। पर ट्यूबलाइट ये न्यूज नहीं है, ये हमारे कुबेर खजाने की चाबी है। इससे सुमित को ब्लैकमेल करेंगे और 2,000 रुपए। 8,000? अरे 15,000। 15,000? हाँ। अरे चल ठीक है 15,000। और बता बता उन पैसे क्या करेंगे? 5,000 समोसे, 10,000 डोसे और करीबन 1,500 आइसक्रीम लेंगे। अरे भाई बस 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 बस, ज्यादा एक्साइटेड मत रहे। A few inches later. ओ माय गॉड, ये कैसी वीडियो बना ली? कितनी तारीफ करूँ इस वीडियो बनाने वाली को, इसको मैं ही मिला था। मेरी लव स्टोरी इसने सनसनी की सुना डाली।
क्या चाहिए तुमको? अबे मेरे को किसी भी हालत में 2:30 बजे तक 15,000 रुपए चाहिए। अबे 15,000 से क्या करोगे भाई? देख ले भाई कुछ कम ज्यादा हो जाए। साले आलू टमाटर लेने आया है क्या? जो गुंजाइश कर लो। और तो आप कहाँ लेके आ रहे हो मैं तेरे को बताता हूँ। अबे सुन, ये पैसे टाइम पे आ जाने चाहिए। ये पैसे टाइम पे नहीं आने चाहिए तेरे बाप को बता दूंगा, उसको भी पता चलना चाहिए तेरे बेटा कर दिया रहा है स्कूल में। भाई मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगा, तू कुछ मत कर। रे यार ये वीडियो किसने बना डाली? 15,000 कहाँ से लाऊं? हाय बेटी बोल, वीडियो तुमने देख ली होगी। कौन हो तुम और तुमने वीडियो क्यों बनाई है? तुम्हें पता मैं कितनी सच्ची सावित्री हो रही हूँ, मेरे एक पति भी हैं। हाँ देख गई तेरी असलियत इस वीडियो में। अगर तुम 30,000 रुपए 1 घंटे 30 मिनट में अगर नहीं दिए तो ये वीडियो मैं तेरे पति को भेज दूंगा। यार मेरी 10,000 सैलरी है और मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? इट्स योर प्रॉब्लम, I don't care. 2 hours later. हाँ, उसके पैसे। यार अभी तो बस 24,572 ही जमा हुए हैं। एक अंगली, एक नासमीटी, तेरे सामने एक अंधा बच्चा बैठा हुआ, उसके पॉकेट में पैसे डाल दियो, और पीछे मुड़के मत देखिए। अरे यार ये मेरे मजे कौन ले रहा है? माना कि मेरी लाइट ऑफ है लेकिन फिर तो होता है ना। अबे शांति से बैठा रहे। हेलो। अरे भाई तेरे से उम्मीद नहीं थी मेरे को कि तू चंद पैसे वाले लोग की पुण्य कमाएगा। अबे ओए तू अपना काम से काम रख, ये बता पैसे कहाँ देने हैं? अबे सुन, पैसे पीछे की तरफ फेंकती हूँ, अगर पीछे देखा ना सैंड का पता चल जाएगा सैंड का। यार हमने सौदा घाटे में कर लिया। अबे क्यों भाई, सही साहब है जो हमने सोचा था वही तो है। 500 समोसे, 1,000 डोसे और 1,500 आइसक्रीम, और क्या चाहिए? यार स्कूल आते वक्त मेरे पैर में दर्द हो जाता है, अगर मुझे भी एक साइकिल मिल जाती तो बहुत मजा आ जाता। यार मुझे भी कुछ पर्सनल पैसों की बहुत जरूरत है यार, पैसे दिला दो। बेबी बहुत डिमांडिंग हो गया है, कभी कहती है एडिडास चलो, कभी कहती है नाइका चलो, मुझे मेकअप किट खरीदनी है यार, इसलिए पर्सनल पैसे से बनता है भाई यार। अरे भाई ये तो बहुत सिंपल है, फोन उठा शोभित को कॉल कर, ब्लैकमेल कर, दोबारा पैसे मंगा ले भाई, मजा आ जाएगा। अच्छा तो ये रोटी तुम तीनों ने की है? अबे फूल गोभी की शकल के तो ये कच्चा खा जाऊंगा। ए बदतमीजी नहीं, सिस्टम बांटूंगा। सेंड बटन दबाऊं? बता दबाऊं? अबे यार तू तो बुरा मान गया, हम चार तो पार्टनर है ना, अब तू देखता है मैं क्या क्या करता हूँ। पैसे निकल जाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैडम मैं तो 50,000 के नीचे आ गया, ये तो 5,00,000 रुपये मांग रहे हैं। अब ऐसा है 2,50,000 का आप जुगाड़ कर लो, 2,50,000 का मैं देख लेता हूँ। सुनो मुझे 5,00,000 की सख्ती हो गई। अबे तेरा बाप छोड़ के गए तेरी माँ? देखो सच में मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है पैसों की इस टाइम। ऑलरेडी मैं तुझे 15,00,000 रुपए दे चुका हूँ और कर्जे में डूबा हूँ और नहीं दे सकता, सॉरी। यार मुझे समझने की कोशिश करो ना, आई रियली लव यू। अरे आई लव यू क्या तेरा तेल लेने, हर बार फुद्दू काट देती है तू मेरा। यार ये आदमी मुझे कुछ जाना पहचान सा लग रहा है। तू जानता है इसे? अरे भाई अगर ये पलट जाए ना
तुम इसको पहचान लोगे। अबे तू पापा